सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता एवं समानता। अब देखिए, जिसमें हमने नकारात्मक स्वतंत्रता को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, यानी व्यक्ति के निजी कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य को, जेस मिल कहता है। समझौतावादी सिद्धांत के विचारक हॉब्स कहता है कि निरोध और नियंत्रण सर्व का सर्वथा अभाव होना चाहिए, यानी व्यक्ति के ऊपर सबसे सीमित शासन होना चाहिए राज्य का, यानी सबसे कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी सरकार होती है। किसके अनुसार? नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि सब कुछ करने का मनमर्जी करने का अधिकार देना, सब कुछ करने का अधिकार देना ही क्या कहलाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। क्या पढ़ेंगे? सकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। अब देखिए, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट दे देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन उस छूट से ना हो, इसे कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कार्य करे, अपने निजी संबंध बनाए, प्रकाशन करे, विचार अभिव्यक्ति का उसे अधिकार दे दिया जाए, लेकिन उसकी विचार अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, इसे ही हम क्या कहते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात क्या होना चाहिए? वांछित प्रतिबंध लगा देना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो ये यही कह रहे हैं कि देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप, मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे, मनुष्य, ये देख लो, मनुष्य उन परिस्थितियों, मनुष्य उन परिस्थितियों का निर्माण करे, मनुष्य अपने लिए, ऐसे लिख देते हैं, मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे। क्या करे? मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का क्या करे? निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ, जो उसके विकास के, उसके विकास के साथ साथ, उसके विकास के साथ साथ, विकास के साथ साथ नागरिकों के लिए,
विकास के साथ साथ साथी नागरिकों, साथी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थिति गढ़ सके, साथी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थिति गढ़ सके। ये है सकारात्मक स्वतंत्रता, भाई मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करें जो उसके विकास के साथ साथ साथी मनुष्य के लिए भी वैसी परिस्थिति गढ़ सके। मनुष्य अपने लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ साथी नागरिक के विकास को भी वैसी परिस्थिति गढ़ सके, उसे कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। अब देखिए इसी के साथ अगला जो विचारक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये क्या कहता है, स्पेंसर कौन? स्पेंसर, प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है, करने को स्वतंत्र है जो उसकी इच्छा सब कुछ करने को क्या है, स्वतंत्र है, जिसकी वह इच्छा करता है, स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, इच्छा करता है। भाई वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वो इच्छा करता है, लेकिन यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की करता है, यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की समानता एवं स्वतंत्रता का हनन हनन न करे या न करता हो, ठीक है। तो स्पेंसर कह रहा है इस चीज को कि प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो। पेन के शब्दों में स्वतंत्र उन बातों को, अब देखिए स्पेंसर भी ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, लेकिन उस दौरान यदि वह इस दौरान किसी व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है तो इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता। भाई हमें वही अवसर उपलब्ध, जो अवसर हमें उपलब्ध हम चाहते हैं वही अवसर हमें दूसरों को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप कहलाता है। पेन के शब्दों में
स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरे के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। नियंत्रण के अभाव में नहीं देखता है गांधी जी, बल्कि क्या देखता है, विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं महात्मा गांधी। इस रूप में स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो व्यक्ति को एक उन्मुक्त जीवन जीने तथा जीवन को सुरक्षित रख सके, उसको जीवन यापन के संसाधन जुटाने के अवसर प्राप्त हो, वे अपने विचारों को प्रकट कर सके तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्रकट कर सके। तो गांधी जी के अनुसार उन्मुक्त ऐसा जीवन जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, वो सकारात्मक या स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप होता है। तो पेन हो चाहे गांधी जी हो, सबने स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता उसे माना है जिसके कि उस उन परिस्थितियों के दौरान दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का हनन नहीं होता है। अब देखिए क्या विशेषता आती है, एक बार इसको और देख लें। मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे, मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ 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 ही नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थिति गढ़ सके। स्पेंसर ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जो वह इच्छा करता है, लेकिन यदि वह इस दौरान जब वो कार्य कर रहा है इस दौरान यदि अन्य व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। तो अब देखिए आगे सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता, सकारात्मक या स्वतंत्रता का सकारात्मक में जो है स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप इसकी पक्षधर है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता या अवधारणा। देखिए नंबर एक, स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध आवश्यक है। नंबर एक, स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। प्रतिबंध आवश्यक है, युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। नंबर दो, समाज और व्यक्ति के हित पर निर्भर है। नंबर दो, समाज व्यक्ति के हित पर निर्भर है। व्यक्ति और समाज, व्यक्ति समाज और व्यक्ति के परस्पर निर्भर हैं। क्या है, परस्पर निर्भर हैं। नंबर तीन, स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में, स्वतंत्रता का सही स्वरूप
स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। नंबर चार, राजनीतिक एवं नागरिकता स्वतंत्रता का मूल, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता का मूल आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना बिना निरर्थक है तक है। तो इस तरीके से ये सकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणाएं हैं वो हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की जो विशेषता या अवधारणा है वो है कि स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त बंधन होना चाहिए, स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर दो, स्वतंत्र समाज में व्यक्ति हित परस्पर निर्भर हैं, समाज और व्यक्ति परस्पर निर्भर हैं। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून का पालन करने में है, ठीक है। अगला है राजनीति एवं नागरिकता, स्वतंत्रता का मूल आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है, क्या है, निरर्थक है। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, अगली जो आती है स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देना पड़ेगा। नंबर पांच क्या बताया इन्होंने, देखिए, स्वतंत्रता नंबर पांच देखो, स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को मान्यता देनी होगी। तो ये है स्वतंत्रता का सकारात्मक अवधारणा, युक्तियुक्त बंधनों का होना, राज्य के कानूनों का पालन करना, ये सब क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है। भाई हम जैसी स्वतंत्रता चाहते हैं ऐसी स्वतंत्रता हमें दूसरे व्यक्ति को देनी चाहिए। उस दौरान हम जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं उस दौरान उसकी उस दौरान किसी दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन और समानता का हनन नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता निरर्थक है, युक्तियुक्त बंधन होने चाहिए। इन सब ये सारी सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणाएं हैं। तो देखते रहिए हमारे पौधदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।